वेलकम टू K2K मोटर ब्लॉग्स। और आज इस वीड्यो में मैं बात करने वाला हूँ KTM ड्यूक 125 के बारे में। तो ड्यूक 125 मार्केट में रिलीज हो चुकी है। ड्यूक का इस बाइक को रिलीज करने का रीजन ये है क्योंकि KTM की कोई भी बाइक ऐसी नहीं थी जिसका प्राइस 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में हो, तो इसीलिए KTM ने अपनी ऐसी बाइक निकाली है ताकि उसको हर कोई ले सके। तो बात करते हैं KTM ड्यूक 125 के बारे में। इस बाइक में आता है 124.7 सीसी का इंजन जो कि एक फ्यूल इंजेक्टेड टाइप इंजन है। इसमें डायरेक्टली फ्यूल ट्रांसफर होता है इंजन में, इसमें कार्बोरेटर नहीं आता है। बाइक में है 14 bhp की पावर और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इतनी अच्छी पावर और इतना अच्छा टॉर्क अभी तक किसी भी कंपनी ने नहीं दिया है 125 सीसी की बाइक के अंदर। तो दोस्तों, इस बाइक का कंपैरिजन हम किसी भी 125 सीसी की बाइक के साथ नहीं कर सकते। इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं यामाहा की आने वाली बाइक MT-15 के साथ और R15 V3 के साथ और अपाचे 200 या फिर NS 200 के साथ। बाइक की पावर और टॉर्क के साथ साथ बाइक में और भी काफी अच्छी चीजें हैं, जैसे इस बाइक में है सिंगल चैनल ABS सिस्टम जो कि अभी तक किसी भी 125 सीसी की बाइक के अंदर नहीं आया है। KTM लवर्स के लिए एक सैड न्यूज ये है कि इस बाइक का जो लुक है वो इंस्पायर्ड है ड्यूक 200 से। तो जो ड्यूक के फैन है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बाइक का जो डिजाइन है वो आएगा ड्यूक 390 से इंस्पायर्ड, लेकिन इस बाइक का जो डिजाइन है वो है ड्यूक 200 से इंस्पायर्ड। तो बाइक का जो फ्यूल टैंक है उस पर क्लियरली लिखा आएगा ड्यूक 125। तो आप किसी को भी पागल नहीं बना सकते कि आपके पास ड्यूक 200 है या आपके पास ड्यूक 390 है, क्योंकि बाइक पे क्लियरली लिखा रहेगा कि ड्यूक 125। इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फंक्शंस तो सबको ही पता है क्योंकि इस बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें काफी सारे अच्छे फीचर्स हैं। इस बाइक में है 17 इंच के ट्यूबलेस टायर्स जो कि सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं। ड्यूक 125 की सबसे अच्छी चीजें तो ये हैं कि इस बाइक में सिंगल चैनल ABS है। इस बाइक की पावर और टॉर्क इस बाइक में काफी अच्छा है। ड्यूक 125 पहली ऐसी 125 सीसी की बाइक है जिसके अंदर लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी आती है। बात करते हैं बाइक के नेगेटिव पॉइंट के बारे में। बाइक का नेगेटिव पॉइंट मुझे तो सिर्फ एक ही लगता है, इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो सिर्फ 10 लीटर का है। तो अगर आप लॉन्ग राइड करते हो तो लॉन्ग राइड करते टाइम आपको कैंस में पेट्रोल लेके चलना पड़ेगा क्योंकि इस बाइक का फ्यूल टैंक बहुत कम है। अगर इसका फ्यूल टैंक 12 या 13 लीटर का होता तो शायद वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। बात करें इस बाइक की टॉप स्पीड के बारे में, तो इस बाइक की टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। तो दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कि KTM ड्यूक 125 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप KTM के फैन हैं और आपके पास बजट अच्छा है और आपको स्टाइलिश बाइक चाहिए जिसकी पावर अच्छी हो और सिटी राइडिंग के लिए जो परफेक्ट हो, तो दोस्तों आप KTM ड्यूक 125 ले सकते हो और ये काफी अच्छी चॉइस है। और ड्यूक के फैंस के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तो उन्हें कम बजट में भी अब उन्हें अच्छी बाइक मिलेगी। बाइक के प्राइस के बारे में बात करें तो बाइक का प्राइस है 1,20,000 और बाइक का ऑन रोड प्राइस होगा 1,35,000 के अराउंड। अगर बाकी 125 सीसी की बाइक्स के साथ अगर इस बाइक का प्राइस कंपेयर किया जाए तो इस बाइक का प्राइस काफी हाई है। और दोस्तों, बात आती है कंपैरिजन की। हम ये कह देते हैं कि इस बाइक का कंपैरिजन 125 सीसी की बाइक्स के साथ नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता ये बताता हूँ। दोस्तों, अभी जो बाइक्स आ रही हैं जैसे कि यामाहा की R15 V3 और यामाहा की 2019 में आने वाली बाइक MT-15 और ड्यूक 125, तो इन बाइक्स की अगर बात करें तो इन बाइक्स की जो इंजन की टेक्नोलॉजी है वो काफी अपग्रेडेड है। तो इंजन की टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेडेड है तो इसी वजह से इन बाइक्स की पावर जो है वो काफी बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप KTM ड्यूक के फैन हैं तो आपको 125 सीसी वाली ड्यूक जरूर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत ही बढ़िया बाइक है सिटी राइडिंग के लिए। अगर आप लॉन्ग राइड के लिए बाइक लेने की सोच रहे हो तो ये बाइक लॉन्ग राइड के लिए इतनी फिजिबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें।